नमस्ते अंकल जी, जिताएंगे किसको? कह रहे योगी बाबा ने कार्यकाल बहुत अच्छा कहा है। ये हमारी समझ में तो योगी बाबा का कोई काम समझ में नहीं आता, केवल पेपर बाजी। हाँ। केवल जुमला बाजी। अच्छा, एड ही एड है? एड ही एड दे रहे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे क्या? आपका कहने का मतलब क्या जी? जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें पेपरबाजी है, यही सब हो रहा है, ऐड दिखा रहे हैं। केवल अपनी तारीफ, अपने हाथों से अपनी तारीफ पीटना, अपने हाथों से अपनी तारीफ करना। हाँ। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि नंबर वन कोई बनाए? जमीन में कोई कार्य इनका है ही नहीं। हाँ। कोई कार्य नहीं, दरअसल में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। राशन आप देख लिए, ये इनके जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, कहते गड्ढा मुक्त सड़कें। आप इस पे जाइए, देखिए इसके ऊपर इतने इतने गड्ढे के साथ ट्रक पलट गया तो नीचे फ्लाई ओवर में, फ्लाईओवर में, रोडों पे जाके देखिए क्या हाल है। केवल नाम मात्र के शीशे की जैसे चमक रहा है रोड, बिल्कुल क्या ये चमक रहा है? मलाई जैसे एकदम। हाँ, हो सकता है, हो सकता है मेरी नजरों में कुछ कमी हो, मैं ना देख पाता हूँ। अपने अपने विचार है। हाँ। लेकिन मैंने देखा है कि धरातल पर इनका कोई कार्य नहीं है। हाँ। बेरोजगारी की वो समस्या। हाँ। जानवर कहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई। हाँ। कहाँ आय दोगुनी हो गई, किसान की आय तो आधी रह गई। 2022 तक बोले है ना, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। पाँच साल में नहीं, कहते एक महीने में क्या कर देंगे, चुनाव से पहले तो इसी वजह तो शिलान्यास हो रहे, शिलान्यास पे उद्घाटन, उद्घाटन पे उद्घाटन। दूसरे को कहते रैली मत करो, अपना तो लाखों की तादाद में भीड़ जुटाते हैं। जब चुनाव आता है तभी इनको विकास दिखाता है। अच्छा, उसके पहले विकास की कोई बात नहीं करते। तो आपके मन में कौन है? हमारे मत में तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव है। बदलाव में कौन है? ये तो गढ़ है कांग्रेस का। जी हाँ, कांग्रेस और सपा में दो ही है। वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और क्षेत्रीय पार्टी ये है सपा। सपा तो कह रहे रायबरेली जब आए थे अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में रायबरेली से हम ही जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। जीतेंगे, जिताने वाले आप लोग? जी हाँ, हम लोग जिताएंगे। अच्छा, किस किस मुद्दे पे जिताएंगे इस बार? यही विकास के मुद्दे पे। और ये सुरक्षा मुद्दा जो है, सुरक्षा कहते हैं कोई बहुत बड़ी सुरक्षा है, सुरक्षा दो करोड़ की, इतने ज्यादा कांड हो गए, कहते मेरी सरकार में कोई कांड नहीं हुआ है। आप लोग तो देखते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ या लोगों से और पूछे कितने मुद्दे हुए। लखीमपुर का कांड देखिए, इनके मंत्री जो है अमित मिश्रा जी, इतना बड़ा उनके लड़के ने कांड कर डाला, उसमें 7-8 मौतें हुई, गाड़ी चला के मार डाला। अगर दूसरे सरकार का मंत्री कोई होता तो ये उसके ऊपर चढ़ाई कर देते है ना, सरकार गिराने की कोशिश करते। लेकिन आज तक इतना विपक्षियों ने, किसानों ने उसका मुद्दा उठाया, प्रबल तौर से चल रहा है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। एसआईटी जांच में भी ये बोला है कि धाराएं बढ़ा दिया है, और जब सवाल किया तो पत्रकारों के ऊपर गुस्सा दिखा रहे। हाँ, तो ये तो जाते ही है। हाँ। ये तो हनक है उनकी। हाँ। सरकार में है उनकी हनक है। हाँ। सरकार में ना। हाँ। तो उनकी हनक है, मेरे सामने किसी की चलेगी नहीं। हाँ। ये सत्ता दल के मंत्री है। हाँ। तो उनके सामने पत्रकार तो पत्रकार पे जब हमला कर सकते हैं तो आम जनता उनके लिए क्या है? तो इस बार अंकल जी बदलेंगे। जी, मेरी तो इच्छा यही है। इच्छा ये युवाओं से पूछते हैं, युवाओं का क्या इच्छा है? जी, मेरा नाम विराट विक्रम सिंह है। आपकी बार फिर से मोदी सरकार। अच्छा। योगी की सरकार आने वाली है। योगी सरकार तीन अंकल जी कुछ भी कहे, वो आपका अपना मन है, आपका अपना मत है, आप अपना मत चाहे जहाँ दीजिए। सरकार 312 प्लस सीटों से बीजेपी की बनने जा रही, और रायबरेली की 6 के 6 भी सीटें विधानसभा की ये बीजेपी के खाते में जा रही है। अच्छा। सदर विधायिका हमारी अच्छी थी, कांग्रेस छोड़ के आ चुकी है बीजेपी में, जो रायबरेली का एक महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, वो भी सदर विधायिका जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी तीसरी जीत थी सदर विधायिका की, अगर दूसरा हमें याद नहीं, लेकिन पहली जो जीत थी राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की, नोएडा से विधानसभा, उसके बाद हमारी सदर विधायिका ने 90,000 वोटों से जीता था, वो भी अब की बार बीजेपी में है। तो सर ये बताइए, ये जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं वो तो कह रहे क्या गंगा से नहा लेते हैं क्या? कह रहे पहले कहते भ्रष्टाचारी, फिर यहाँ आते शादी सब कुछ खत्म हो जाता। नहीं, ये वो उनका मत है, हम ये नहीं कह सकते, उनका मन है, आप चाहे जिस पार्टी में जाएं, लेकिन ये हमारी विकास की गंगा श्री मान। विकास की गंगा बह रहे है क्या? विकास की गंगा बह रहे है यूपी में? नहीं, हमारी नजर में तो विकास की गंगा नहीं बह रही। सारी तो कहने के लिए बैठे हैं आप लोग पूरा, ये तो कहने के लिए लोग कहते हैं जैसे अब की बार मोदी सरकार बनेगी, योगी सरकार बनेगी। हम मेरा दावा है कि अब की बार
योगी सरकार यहाँ से नेस्तनाबूद होगी, यूपी से सफाया होगा, किसकी सरकार बनेगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन लेकिन मेरा एक दावा है कि योगी सरकार नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। अच्छा, इनका दावा है कि सरकार नहीं बनेगी, आपका भी दावा है? हाँ, मेरा भी है। तीनों बैठ के यही डिस्कस करते रहते हैं, कांग्रेस या सपा, सपा अच्छा। सपा ज्यादा है, लेकिन ये गढ़ तो कांग्रेस को कहते हैं। हाँ, लेकिन मैं कह तो रहा हूँ, अगर अच्छा उम्मीदवार अगर मिलेगा यहाँ पे, अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस तो हो जाएगा, तो हो सकता कांग्रेस ही बनेगी, नहीं तो सपा। अच्छा, ये बताइए अंकल, क्या जिस तरीके से सरकार जो मौजूदा है वो तो कह रहे काम हुआ है, काम वाम नहीं कर रहे क्या आपको? नथिंग, कुछ हमारे पास समझ नहीं आ रहे। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे भैया? भैया ने तो बता दिए हैं। देखो मैडम, सरकार किसी की भी बने, लेकिन सबसे बड़ा हमारे यहाँ का मोर्चा युवाओं का यही चलता है कि डिग्रियाँ तो देते चले जा रहे हैं सरकार द्वारा, लेकिन हम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है कहीं से, तो रायबरेली में कहाँ विकास की गंगा बह रही है? अगर बह रही है तो कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई कंपनी कारखाना ऐसा नया लगे या लगे हैं, तो उनमें किसी लड़कियों को क्षेत्रीय रखा गया है? क्यों नहीं रखा जा रहा? क्यों कह रहे हैं कि लोकल का आदमी नहीं रखेंगे? क्या हमारे लोगों के अंदर योग्यता कम है भाई? शिक्षित कम है या योग्यता कम है या डिग्री हमारे पास नहीं है? अगर है तो उसका पूरा दुरुपयोग सदुपयोग करना चाहिए ना। अभी तो एयरपोर्ट तो बन रहे हैं ना भैया, तो मिलेंगे नहीं रोजगार? तो रोजगार मैडम मिले तब जाने ना हम लोग, अभी तक नहीं मिल रहे। हम तो 5 साल से देख रहे हैं, तो कह रहे रोजगार धड़ाधड़ रोजगार मिल रहे सबको, हम लोग तो बेरोजगार हैं। प्राइवेट नौकरी बेरोजगार है और सरकार कह रहे कि रोजगार मिल रहे, आप कह रहे विकास की गंगा। आप सुनिए, जैसे उत्तर प्रदेश में है, आप लगातार 70,000 की शिक्षकों की भर्ती कराई सरकार ने, सरकार 2017 में बनते ही 2018 में लगातार पुलिस के 41,000 42,000 कुछ पद, 49,000 ना भैया, वो तो पद भर्ती निकाले नहीं, निकाले नहीं, खराब भी चुके हैं, और पीएससी की ट्रेनिंग जो 49,000 की थी दोबारा में। जैसे मैडम मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं कि आर्मी की और जो ये भर्तियां होती हैं इनकी एक लिमिट एज होती है, एज के बाद हमारे लोगों के लिए क्या किया गया है, क्या सरकार ने किया है? बेरोजगारी ज्यादा है। सरकार जैसे बता रहे हैं, भैया ने बताया कि एज के लिए प्रावधान, एज के लिए प्रावधान कर दिया गया, आप दो मतलब आप क्यों भी कोई भी वेबसाइट खोल के देखे, एज 2 वर्ष बढ़ा के दे दी गई। अच्छा, है क्या कह रहे हैं भैया, कितना सहमत है इन लोगों की बातों में? कहा सहमत करी, झूठी सरकार में कहा सहमति करी, कह रहे विकास की गंगा बह रहे भैया, विकास गंगा घर में अपने चाहे पूरी पराठा बना खा लीजिए, चाहे पूरी बना खा लीजिए, अपने हाथे बनाओ खाए कहते, जब अपने हाथे बनाओ राशन तो दे रहा है, राशन सरकार तो का राशन का अपने घर क्या दे रहे हैं का? मैडम राशन, राशन क्या अपने घर का दे रहे हैं क्या? राशन क्या अपने घर का दे रहे हैं का? ये सब कांग्रेस की देन है जो राशन मिल रहा है, मेरे किसान की देन है जो राशन मिल रहा है। सरकार कह रही है कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, 70 साल में कांग्रेस के विपक्ष तो कह रहा है कांग्रेस 70 साल में देश बेच ली है, हम मानित 70 साल में कांग्रेस बेचे, आज जो किसान के गेहूँ धान हरियार है ये कांग्रेस इंदिरा गांधी की देन है, समझो, उसका आज चरवाए तो ले रहे हैं इसे। क्या कह रहे हैं वो? अरे कहे कह रहे हैं, सब राहत नाश कर रहे हैं और क्या, तो ये सर बाबा क्या बाबा को जिताएंगे इस बार? बाबा बाबा ने जीती, बाबा बाबा शमशा बजाओ मंदिर में, बीजेपी की बनेगी आप ये देखेंगे, आकर फिर से मिलना लगा 310। हां जी, रायबरेली में एक भी सीट भाजपा को नहीं जाने वाली है, सदर विधायक पिछली बार कांग्रेस कह रहे कि मुझे बुला रहे 70-90 हजार से बता रहे हैं आप की कांग्रेस जीती थी सदर विधायक का, लेकिन इस बार 70,000 वोटों से हारेंगी, ये मेरा अपना दावा है। अच्छा, आपका दावा है? हाँ, मेरा दावा है। पूरा गणित लगा के बैठे जी, हाँ गणित पूरी पूरी है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुराज भैया, 100% बात सही है। आप किसका बनाएंगे, कांग्रेस का बनाएंगे सरकार? हम किसी को भी बनाए मगर वो जो चौरगढ़ बैठे उनका न दिया वोट। अच्छा, इनका नया पार कौन लगाएंगे कह रहे हैं? कह रहे नैया तो पार लगे जाएंगे, जब उनका चौरगढ़ ही कर रहे इवन उनके हाथे गए बैठी है उनका लड़का ऑपरेटर है, गलत बात है, नहीं करेंगे। चलिए, हाँ जी, आपसे बात कर ली है। हाँ जी, जैसे भैया कह रहे हैं कि यूएम में गड़बड़ी है, अगर यूएम में गड़बड़ी होती तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कैसे बन जाती, आप ये बताइए। अच्छा, आप नहीं मानते, आप मानते हैं कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है? ईवीएम में सब कुछ ठीक, अभी अखिलेश यादव की रैली थी इसी मैदान पे, अखिलेश यादव का दौरा था हमारे यहाँ, अब बता रहे हैं जितनी भीड़ अखिलेश यादव की रैली में थी उतनी हरचंदपुर विधानसभा के राकेश सिंह की रैली में दुगनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, और आपको बता दें 6 में 6 बीजेपी के साथ मिलेगी, 6 में से 6 मिलेंगे, आपका क्या कहना है? हम तो मजदूर आदमी है, हमको काम मजदूरी तो कह रहे हैं बहुत अच्छा, मजदूरों का मजदूरी बढ़ गया, मजदूरी कहाँ बढ़ गया, कौन बढ़ाया है?
अभी अब काम नहीं मिल रहा, जाते वहाँ से लौट आते, कभी लगता कभी नहीं लगता है, हैं? मजदूरी नहीं मिल रहे। अरे हम लोगों को कोई भत्ता उत्ता मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, कुछ मिले हैं, महीने वार कोई कुछ मिले तो हम लोग कुछ नहीं मिल रहे। आप लोगों को कुछ नहीं मिला, आप लोग अभी इन्हीं के साथ में है। अच्छा क्या कहेंगे भाई, बीजेपी जीतेंगे, कहना क्या है इसमें? अच्छा बीजेपी जीतेंगी, किस मुद्दे पे जिताएंगे? अरे जिता देंगे, जीत जाए। ये बताओ अंकल जी कह रहे हैं कि नहीं जीतेंगे, आप कह रहे जीतेंगे। अंकल ज्यादा जाना तुम का बताएंगे? हाँ युवाओं का क्या, किस लिए जिता रही है तो बताओ। युवाओं को जैसे हमने बताया है कि लगातार 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस की भर्ती और 21,000 आने वाली 10 जनवरी से, इसका मतलब कहने का मतलब है रोजगार मिल रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल मिल रहा है, मैं आपके टैलेंट आपकी प्रतिभा पे, ना कि आपके घुसपात पे, कोई भी मतलब एक पैसे की घुसपात नहीं हो रही। और 1.5 लाख से 1,70,000 समथिंग अभी आपने मास्टर की भर्ती हुई, शिक्षक भर्ती हुई, 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस के पद, अब फिर 21,000 पुलिस के पद आने वाले हैं यूपी में, और 69,000 फिर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। ये जो हो रहा है, ये सब पेपर होते हैं, उसके बाद कहाँ नौकरी मिल रहा है भाई? ये बताइए आप कौन सी है? कोई एक ऐसी भर्ती ली जिसने सरकार पूरे न कराई हो? 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने जो वादा किया, आपका कहने का मतलब 2 लाख नौकरी मिल रहे हैं सबको? 4.5 लाख नौकरी दे चुके हैं 4.5 से ज्यादा के समय में। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर में बता रहे हैं, बिल्कुल सही, वही देख के बता रहे हैं, वही देख के नहीं बता रहे हैं। हमारा बड़ा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ, इसके बता रहे हैं। अच्छा बड़ा भाई का हुआ? हाँ जी भैया, नौकरी की बात हुई थी, 4 लाख दे रहे, कुछ ज्यादा हो गई है बताइए? नहीं मिल रहे नौकरी, कहाँ मिल रही है भैया? तो कह रहे हैं मिल रही है, बताइए नौकरी है? सब बेरोजगार घूम रहे हैं, हमको बताइए कोई। आप लोग सब बेरोजगार है, सब लॉकडाउन चक्कर से भूखे मर रहे हैं। ये बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि भारत में जिस दिन बेरोजगारी दूर हो जाएगी, उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ सरकारी नौकरियां जो है वहां से मिल रही है और ये लोग हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है बेरोजगार। तो सरकार में 70 लाख का वादा किया गया था नौकरी का, करें भैया बताइए, 4 लाख ही है, 4 लाख 70 लाख, कितना फर्क हो गया आप बताइए? कितने गरीब आदमी घूम रहे हैं? आप नौकरी पा चुके हो? आप मान को कह रहे हो नौकरी पाए हो आप? किसी के घर में, फिर किसी के घर में भाई पुलिस में हो गए? सुनिए सब आदमी थोड़े पुलिस में गए, हम लोग तो बेरोजगार हैं। गांव में एक आदमी हो गया तो कोई बड़ी भारी बात हो गई? हमको बताइए, लेकिन जो यहाँ चौहड्डी घुमाओ, हमको नहीं पता कोई नौकरी मिल गई हमको? देखा ये धरातल की सच्चाई है, सरकार बता रही है बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा के कि बहुत नौकरी दिए है, बहुत विकास किया है, लेकिन इन लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गए है, बेरोजगार इनको रोजगार नहीं मिल रहे। हम और भी लोगों से, भैया कितना सहमत है, रोजगार मिल रहे? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, मजदूरी के लिए बढ़ रहे सब, सब परेशान है जनता, कोई तो राशन पानी सब कुछ कर रहे, मुफ्त दे रहे हैं, नंबर वन बना दे यूपी, चमचमाते रोड बना दे, क्या लोग बेरोजगारी से क्या लेना देना? अच्छा नहीं मिल रहा क्या? राशन कार्ड अभी दौड़ के आ रहा हूँ, अभी भी नहीं बना, वही गए थे, जो बच्चे हैं मियाँ बीबी हैं, नहीं बनना, अभी भी चक्कर काट रहा हूँ मैं। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं बता तो, क्या कही, भूखे मर तो रहे बगैर पैसा के, बेरोजगारी में घूमते रहते नहीं है। हमारे राशन कार्ड नहीं है, हमारे लग कुछ नहीं है मैडम जी, नमस्कार। कह रहे राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कहेंगे भैया? आपसे बात हो गई है।